$45 trillion, इंडियन रुपीस में कहे तो 45 लाख करोड़ रुपए ब्रिटिश अपने 200 सालों के राज में भारत से लूट कर ले गए। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जी भर के लूटा। भारत जैसे देश पर कब्जा जमाने में बड़े बड़े एम्पायर्स के पसीने छूट गए थे। आधी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भी यहाँ से हार मानकर वापस लौटना पड़ा था। मोहम्मद गौरी जैसे एम्परर को 16-16 बार मुंह की खानी पड़ी थी, तो वही इस जमीन पर अपनी सत्ता जमाने में मुगलों को जमाने लग गए थे। लेकिन वही दूसरी ओर ब्रिटेन से मसालों का ट्रेड करने निकली एक छोटी सी कंपनी ने भारत को कैसे अपना गुलाम बना लिया? आखिर ऐसा क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भारत जैसा बड़ा देश चंद लोगों की एक छोटी सी कंपनी के आगे झुक गया? आखिर कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को मूर्ख बनाया और उन्हीं के घर की दौलत को लूट कर ले गए? ऐसा क्या हुआ कि भारत के बड़े बड़े राजा भी अंग्रेजों के आगे बेबस हो गए? और कैसे अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया? 15th सेंचुरी तक यूरोपियन देशों के ट्रेडर्स समुद्री रास्तों को ढूंढते हुए अलग अलग देशों में पहुंच रहे थे। इस दौरान पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ट्रेडर्स पूरी दुनिया को समुद्री रास्तों से जोड़ रहे थे, जिससे कि वो समुद्र पार देशों के साथ ट्रेड कर सकें। ये ट्रेडर्स समुद्री रास्तों से अलग अलग देशों में जाया करते थे और जहां भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती वहीं ये अपना व्यापार शुरू कर देते थे। इस तरह केप ऑफ गुड होप से नए सी रूट को खोजते हुए 1498 में पहली बार पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डे गामा भारत आ पहुंचे। फिर इसी समुद्री रास्ते से धीरे धीरे पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने भारत आना शुरू कर दिया। इन दिनों भारत के अधिकांश भागों पर मुगल एम्पायर का राज था। मुगल राजाओं ने अपनी रियासतें छोटे छोटे भागों में बांट रखी थी, जिसमें अलग अलग राजा राज किया करते थे। इसके अलावा कुछ भागों में जहां मुगल राज नहीं था, वहां छोटे छोटे राजा इंडिपेंडेंटली राज करते थे। ऐसे में जब पोर्चुगीज ट्रेडर्स भारत पहुंचे, तब उन्होंने यहां के किंग्स के साथ या तो वॉर करनी शुरू कर दी या उनके साथ संधि करके धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स बनाने लगे। बीतते समय के साथ साथ पोर्चुगीज ने भारत के गोवा, दीव एंड दमन, दादरा और नागर हवेली, मैंगलोर, हुगली, कन्नौर और सूरत जैसे समुद्र किनारे वाले शहरों में अपना सेटलमेंट बना लिया। 1530 आते आते पोर्चुगीज ने गोवा को पोर्चुगीज इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। पोर्चुगीज भारत के समुद्री शहरों और बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमाते चले गए। हालांकि तब भी यहां उनका मेजर फोकस बिजनेस करना ही था। वो लोग भारत से सिल्क, स्पाइस एंड ओपियम जैसे नशीले पदार्थों को एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ करता था। पोर्चुगीज के आने के बाद 1602 में डच ईस्ट इंडीज कंपनी ने भी भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली। डचेस ने भारत से मसालों का बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बड़े लेवल पर मुनाफा कमाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने स्पाइस ट्रेडिंग में अपनी मोनोपोली हासिल कर ली। इसके बाद August 24, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहली बार गुजरात से सूरत में दाखिल हुई। और आखिरी में फ्रेंच ट्रेडर्स भी भारत पहुंचे और सब ने अपना अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया। 16th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे यूरोप के अंदर ज्यादातर मसालों का ट्रेड डच मर्चेंट के हाथों में पहुंच गया था और वो दिन पर दिन मनमांगे ढंग से मसालों की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे थे। यही से शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे लंदन में 25 ट्रेडर्स ने मिलकर December 31, 1600 को बनाया। शुरुआत में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन रखा गया। इस कंपनी को इंग्लैंड के रॉयल चार्टर के तहत फॉर्म किया गया था, जिससे ये कंपनी ईस्ट इंडियन स्पाइस मार्केट में अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सके। अपने ऑफिसर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया में पहला कदम रखा था और साल 1601 में कंपनी की पहली फैक्ट्री लगाकर यही से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस समय इंडोनेशिया के अंदर डच, पोर्चुगीज और स्पैनिश कंपनियां पहले से ट्रेड कर रही थी, जिनका आपस में ही काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से उनका ट्रेड और कम होने लगा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पैनिश ट्रेडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया।
कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर होकर इंडोनेशिया छोड़कर दबे पाव भागना पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो कंपनी को बंद कर दे या व्यापार के लिए कोई अलग जगह तलाश करे। इसलिए इंडोनेशिया में व्यापार ठप होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से भरा हुआ एक हेक्टर शिप गुजरात के सूरत में उतरता है और उस समय इस कंपनी को कैप्टन विलियम हॉकिंस लीड कर रहे थे। ये वही समय था जब इंडिया के ज्यादातर हिस्सों पर मुगल एम्पायर का कब्जा था। देश के अंदर कोई विदेशी बिना परमिशन के ट्रेड नहीं कर सकता था। उस समय मुगल एम्परर जहांगीर ने आगरा को अपना कैपिटल बना रखा था। उनकी गवर्नेंस के सारे काम आगरा से ही होते थे, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर देश में ट्रेड करना था तो जहांगीर की परमिशन जरूरी थी। इसलिए विलियम हॉकिंस गुजरात से चलकर अप्रैल 1609 में आगरा पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात मुगल एम्परर जहांगीर से हुई। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को इन्फ्लुएंस करने की काफी कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जब विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन मांगी तो जवाब में जहांगीर ने साफ मना कर दिया। दरअसल जहांगीर ने ट्रेड करने की ज्यादातर पावर पहले ही पोर्चुगीज ट्रेडर्स को दे रखी थी, जिसके बदले में पोर्चुगीज मुगल एम्पायर को बहुत सारा टैक्स दिया करते थे। मजबूर होकर विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार से बिना परमिशन के ही वापस लौटना पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ट्रेड करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, इसलिए विलियम हॉकिंस और कंपनी के कुछ ऑफिसर्स इंडिया के अंदर उन टेरिटरीज में जाने लगे जहां मुगलों की सत्ता नहीं थी। और इस तरह से 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 1612 में ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी तलाश करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स सूरत के आसपास घूमते रहे। घूमते घूमते ये ट्रेडर्स सूरत से 12 किलोमीटर दूर स्वाली नाम के गांव में पहुंच गए, जहां पहले से ही पोर्चुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे। उस समय स्वाली पर पोर्चुगीज ट्रेडर्स की मोनोपोली थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री की बात उनके बर्दाश्त के बाहर हो गई और पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने कंपनी के दो ट्रेडर्स पॉल कैनिंग और विलियम चेंबर को अरेस्ट कर लिया। सिचुएशन संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से थॉमस बेस्ट नाम के एक ऑफिसर को सूरत भेजा जाता है। लेकिन सूरत के अंदर पोर्चुगीज ट्रेडर्स पहले से पावर में थे और उनका बिजनेस भी पीक पर था, साथ ही उनके पास अपनी मिलिट्री भी मौजूद थी। ये देखकर थॉमस बेस्ट ने सीधे पोर्चुगीज ट्रेडर से उलझना सही नहीं समझा और इस मामले को लेकर थॉमस बेस्ट सीधे वहां के गवर्नर सरदार खान के पास पहुंच गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट सरदार खान को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को किंग जेम्स वन ने 1609 में इस आधार पर आगे बढ़ाया था कि अगर 3 साल के अंदर कंपनी कोई प्रॉफिटेबल वेंचर्स नहीं कर पाई तो इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर इस बार सरदार खान कंपनी को ट्रेड करने के लिए मना कर देते हैं तो कंपनी वापस ब्रिटेन लौट जाएगी। इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को सरदार खान के महल में भेजा, जहां वो सरदार खान को मनाने में कामयाब रहे। सरदार खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत सूरत और आसपास के एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये बात पुर्तगाल के व्यापारियों को बिल्कुल भी रास नहीं आई और जवाब में स्वाली गांव में ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज ट्रेडर्स के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। भले ही ये वॉर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यही से ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसलों को जान मिल गई थी और कंपनी को ये भी पता चल गया कि अगर इंडिया में व्यापार करना है तो अपनी सेना भी रखनी पड़ेगी। वॉर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को आसपास के दूसरे एरियाज में भी ट्रेड करने की आजादी मिल गई। वहीं दूसरी ओर इस वॉर से पोर्चुगीज ट्रेडर्स का इंडिया में इन्फ्लुएंस कम हो गया था। जब ये बात सरदार खान के माध्यम से एम्परर जहांगीर के कानों में पहुंची तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का फेवर लेना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपनी एक परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली। सूरत में फैक्ट्री लगाने से कंपनी का ट्रेड बढ़ने लगा। प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए कंपनी अपने व्यापार को पूरे भारत में बढ़ाती चली गई, लेकिन अभी भी यहाँ मुगल एम्पायर रास्ते की रुकावट बना हुआ था। इसलिए साल 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने ब्रिटेन के किंग जेम्स फर्स्ट से मुलाकात की और उनको बताया कि अगर वो अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजे तो हो सकता है किंग जेम्स की बात मानकर जहांगीर ट्रेड करने की इजाजत दे दे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को गंभीरता से लेते हुए किंग जेम्स फर्स्ट ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेज दिया।
थॉमस रो एक बेहद ही चालाक किस्म का डिप्लोमैट था। जब वो भारत आया तो उसने जहांगीर के दरबार में इंग्लिश ना बोलकर फारसी में बात की और अपने साथ यूरोप से वॉच, टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजिकल चीजें जहांगीर को दिखाकर इन्फ्लुएंस कर लिया। थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझाया और जहांगीर को भी भारी टैक्स देने का प्रॉमिस किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर की कुछ जगहों पर ट्रेड करने की छूट दे दी गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1619 तक कई ट्रेडिंग पोस्ट बना डाली, 1618 में आगरा और 1620 में पटना में सिल्क और जूट की कंपनी स्टैब्लिश कर ली। आगे बढ़ते हुए कंपनी ने उड़ीसा और मद्रास तक अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद 1639 में मद्रास में भी अपनी फैक्ट्री बना ली। मुगल एम्पायर की परमिशन मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने तेजी के साथ अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स भारत से मसालों के साथ सिल्क, कॉटन, टी और सॉल्ट भर भर के ब्रिटेन ले जाने लगे। वो यहाँ से काफी कम पैसों में रॉ मटेरियल खरीद कर यूरोप में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसका यूरोप में काफी अच्छा दाम मिल जाता था, जिससे उन्हें भारी मुनाफा मिलने लगा। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बिशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय बंगाल देश के सबसे प्रॉस्परस रीजन्स में से एक था, इसलिए अब कंपनी अपना ट्रेड बंगाल की ओर बढ़ाना चाहती थी। आखिरकार 1658 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कासिम बाजार नाम की जगह पर अपनी फोर्टिफाइड फैक्ट्री खड़ी कर ली। लेकिन मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिटेड जगहों पर ट्रेड करने की परमिशन दे रखी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स दोबारा अपने किंग के पास पहुंचे और उस समय के इंग्लिश किंग चार्ल्स टू से कंपनी की ट्रेड पावर बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। इस फरमान के बाद कंपनी के बढ़ते ट्रेड को देखकर साल 1670 में किंग चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मान ली और कंपनी को कई राइट्स दे दिए। कंपनी को मिले नए राइट्स के अनुसार अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी टेरिटरी पर कब्जा कर सकती थी। यही नहीं, कंपनी अब पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में ले सकती थी और अगर कंपनी को जरूरत पड़े तो अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकती थी। और तो और, कंपनी जिस टेरिटरी पर कब्जा करेगी वहां पर सिविल और क्रिमिनल लॉ भी अपने अकॉर्डिंग चला सकती थी। इन पावर्स के हाथ में आते ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई थी। किंग से राइट्स मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दिया और इसी प्लान के तहत कंपनी की तरफ से विलियम हेजेस नाम के ऑफिसर बंगाल के गवर्नर के पास ट्रेड की परमिशन लेने पहुंच गया। उस समय बंगाल में मुगल एम्पायर की जिम्मेदारी गवर्नर शाइस्ता खान के हाथों में थी। वैसे तो शाइस्ता खान को ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद छोटे लेवल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। साल 1677 में जोसाया चाइल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का नया डायरेक्टर बना और जल्दी ही 1681 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर इलेक्ट हो गया। इसका रवैया पुराने डायरेक्टर से काफी अलग था। शुरुआत में ही इसने विलियम हेजेस और शाइस्ता खान की ट्रीटी को फॉलो करना बंद कर दिया। इसकी डायरेक्शंस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन एरियाज में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया जहां उन्हें परमिशन नहीं थी, और जब मुगल ऑफिसर्स इस बात के लिए सवाल उठाते तो जवाब में कंपनी उनसे बिना डरे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करती। जोसाया चाइल्ड के आने के बाद कंपनी के बिहेवियर में आया ये बदलाव गवर्नर शाइस्ता खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ट्रेड करने के लिए टैक्सेस को और बढ़ा दिया। शाइस्ता खान मुगल बादशाह औरंगजेब का भांजा था और उसने साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया कि अगर बंगाल में कंपनी को ट्रेड करना है तो स्टेट के मुंह मांगे टैक्सेस को देना जरूरी होगा। लेकिन जोसाया चाइल्ड खुद को डिक्टेटर समझ बैठा था। उसने शाइस्ता खान के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जवाब में साल 1686 में शाइस्ता खान के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 बैटलफील्ड और 600 सैनिकों की मिलिट्री को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए लंदन से बंगाल की ओर भेज दिया। दूसरी ओर शाइस्ता खान पहले ही अंग्रेजों के मंसूबों को समझ चुका था, इसलिए मुगल सेना भी अपनी पूरी तैयारी में बैठी थी। ब्रिटिश आर्मी के बंगाल में एंट्री करते ही उनके और मुगल्स के बीच वॉर शुरू हो गई। उस समय देश भर में मुगलों का बोलबाला था, जगह जगह उनकी सेनाएं थी, इसलिए इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी बेइज्जती के साथ वॉर में हार का सामना करना पड़ा। वॉर जीतने के बाद मुगलों ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की कई फैक्ट्रीज को तहस नहस कर दिया। कंपनी के ज्यादातर ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे बंगाल से चुन चुन कर अंग्रेजों को बाहर निकाला जाने लगा। देश के अंदर जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज थी बंद करा दी गई। मुंबई और सूरत जैसे शहरों से अंग्रेज दबे पाव वापस भाग रहे थे।
जहां कहीं भी कोई ब्रिटिशर मिलता, मुगल उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हालात ऐसे हो गए थे कि खुद डायरेक्टर जोजाया चाइल्ड को मुगलों के आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। मुगलों के पास कंपनी से टैक्स के माध्यम से बहुत सारा पैसा आता था, इसलिए मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1690 में कंपनी के ऊपर 50 लाख इंडेमनिटी अमाउंट लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर दिया था। इस वॉर के बाद कंपनी ने कई सालों तक दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई और जो नियम मुगल एम्परर की तरफ से बनाए गए थे उन्हीं के दायरे में रहकर कंपनी ट्रेड करने लगी। साल 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा मुगल एम्पायर कई कबीलों में बट गया। अलग थलग पड़े मुगलों की इस कमजोरी का जाट और मराठा जैसी पावर्स ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह मराठाओं ने मुगलों की टेरिटरीज पर अटैक करना शुरू कर दिया और कई टेरिटरीज में मुगलों को हराकर उन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी पावर बढ़ाती जा रही थी। कंपनी नई नई फैक्ट्रीज लगा रही थी और अपनी आर्मी बढ़ाती जा रही थी। मुगलों को कमजोर होता देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया के अंदर डच, स्पैनिश और फ्रेंच ट्रेडर्स भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करने में लगे थे। जिसे भी मौका मिलता वो हर छोटी बड़ी टेरिटरीज पर अपना कब्जा करता जा रहा था। जल्द ही आलम ऐसा हो गया कि ज्यादातर टेरिटरी मुगल एम्पायर के हाथ से निकल गई। कई जगह पर मराठा गद्दी पर बैठ गए और कई जगह पर मुगलों के गवर्नर खुद को नवाब घोषित करके गद्दी पर बैठ गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रेंच ट्रेडर्स ने भी पौंडिचेरी और चंदन नगर जैसे इलाकों में अपनी कॉलोनी बना ली। ये वो समय था जब फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई इलाकों पर ट्रेडिंग के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच वॉर्स हो रही थी। 1740 में फ्रांस के लीडर जोसेफ फ्रैंकोइस ने इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग एरियाज को ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच वॉर शुरू हो गई। 1746 से लेकर 1763 तक दोनों देशों में इंडिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक लंबी लड़ाई चली, लेकिन आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर के आगे फ्रांस को झुकना पड़ा। सालों चले इस वॉर को कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी बीच 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। मुगलों को कमजोर देखकर एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की पॉलिसी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। कंपनी बंगाल के अंदर मनमाने ढंग से ट्रेड करने लगी और कंपनी के ऑफिसर सिराजुद्दौला के दुश्मनों से हाथ मिलाने लगे। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की इस हरकत से काफी चिढ़ गए और कलकत्ता में अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पोर्ट पर हमला बोल दिया। इस अटैक में कई ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए और कईयों को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश हिस्ट्री में यह इंसिडेंट ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देंगे और इसके लिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर मीर जाफर को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर पहले से ही नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों के हाथ मिलाने के बाद उसका ये ख्वाब आसमान चढ़ गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने उस समय बंगाल के सबसे अमीर आदमी जगत सेठ को भी अपनी तरफ कर लिया। जगत सेठ सिराजुद्दौला की पॉलिसी से खुश नहीं था और उन्हें लोग सिराजुद्दौला के कॉम्पिटिटर के रूप में भी देखते थे। इनका साथ पाते ही अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में सिराजुद्दौला के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। अंग्रेजों को वॉर डिक्लेयर करते ही फ्रेंच अलाइज की सेना भी सिराजुद्दौला के साथ मैदान में आ गई और 23 जून 1757 को वॉर शुरू हो गई। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के आगे सिराजुद्दौला और फ्रांस की सेना को हार का सामना करना पड़ा। वॉर जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर मीर जाफर को अपना पपेट नवाब बना दिया। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने फ्रांस की सारी टेरिटरीज भी छीन ली थी। इस वॉर के बाद ब्रिटिश पावर का राइज शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वॉर की भरपाई के लिए बंगाल पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। करोड़ों रुपए टैक्स में जाने के बाद बंगाल के अंदर गरीबी अपनी पीक पर आ गई और मीर जाफर के लिए बंगाल संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए ज्यादा दिन तक मीर जाफर अंग्रेजों का वफादार नहीं रह सका और वो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का प्लान बनाने लगा। इसके लिए उसने सबसे पहले डच के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जब इस बात की खबर ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई तो जवाब में कंपनी ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया।
वहीं दूसरी तरफ मराठा मुगल एम्पायर को कैप्चर करते चले जा रहे थे। मराठा अपनी पावर इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहे थे कि 1759 तक अंग्रेज भी इनसे पीछे हो गए थे। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक मराठाओं का ही शासन हो गया था। बंगाल में अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नया नवाब बनाया, लेकिन ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 साल में ही ऊब गया। इसे भी लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम ने 1763 में ब्रिटिश पावर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वॉर में ब्रिटिश पावर के आगे मीर कासिम को झुकना पड़ा और अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। बंगाल से बाहर आते ही मीर कासिम समझ चुका था कि अंग्रेजों से लड़ाई जीतना किसी भी अकेले राजा के वश से बाहर की बात है, इसलिए उसने 1764 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम टू के साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया। 3-3 नवाबों के मिलने के बाद भी ये भारतीय राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे फीके पड़ गए और कंपनी ने तीनों को हरा दिया। इस वॉर को बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। ये वॉर हारने के बाद 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम को इलाहाबाद में अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के तहत बंगाल की पूरी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गई। जो टैक्स पहले नवाब कलेक्ट करते थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। बदले में शुजाउद्दौला को अवध और शाह आलम को इलाहाबाद वापस दे दिया गया। अब बंगाल के टैक्स का सारा रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करने लगी। नवाब की जगह खुद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन गए। इसके बाद अब भारत में ब्रिटिश क्राउन की पकड़ बढ़ने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर थी, साथ ही वो बड़ी मात्रा में भारत से रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे और हमारे देश से भर भर के पैसा ब्रिटेन में जाने लगा। 1772 में मराठाओं के पेशवा माधवराव की डेथ हो गई, जिसके बाद मराठाओं के अंदर भी आपस में फूट पड़ने लगी। मराठाओं की ओर से जब नारायण राव को नया पेशवा बनाया गया तो रघुनाथ राव इस फैसले के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। इसलिए रघुनाथ राव ने नारायण राव का असैसिनेशन करवा दिया और खुद मराठाओं के नए पेशवा बन गए। लेकिन मराठा कम्युनिटी को रघुनाथ राव का शासन रास नहीं आया, इसलिए नाना फडणवीस और 23 मराठा चीफ्स ने एक साथ मिलकर 1774 में नारायण राव के छोटे बच्चे माधवराव टू को मराठाओं का नया पेशवा बना दिया और रघुनाथ राव को एग्जाइल पर भेज दिया। मराठास के इस फैसले से नाराज होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद मांगने पहुंच गया। मदद के नाम पर अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से एक ट्रीटी साइन कराई, जिसके तहत सालसेट और बेसिन जैसे आइलैंड ब्रिटिशर्स को दे देने का ऐलान कर दिया। इस ट्रीटी से मराठा नाराज हो गए और महाजीत सिंधिया की लीडरशिप में मराठा और अंग्रेजों के बीच वॉर शुरू हो गया। इस वॉर में मराठाओं ने अपनी ताकत से अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस वॉर में हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट और बेसिन आइलैंड छोड़ने पड़े और वॉर का जुर्माना भी देना पड़ा। इस वॉर के बाद मराठा समझ गए थे कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए नाना फडणवीस ने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया। हैदराबाद के निजाम अली खान, मैसूर के राजा हैदर अली, आरकोट के नवाब अली खान, इन सब ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वॉर का बिगुल फूंक दिया। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ वॉर शुरू हो गई। कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया तो कहीं मराठा और भारतीय राजाओं ने कंपनी की टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। फाइनली अंग्रेज और भारतीय राजाओं के बीच 1782 में वॉर को बंद कर दिया गया और सलबाई नाम से एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत अगले 20 सालों तक मराठाओं और अंग्रेजों के बीच कोई वॉर नहीं हुई। इस बीच अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते रहे। साल 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई और मराठा एम्पायर के अंदर एक बार फिर फूट पड़ने लगी। मराठा एम्पायर सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले जैसे अलग अलग पेशवाओं में बट चुका था और इनके बीच आपस में ही लड़ाइयां होने लगी थी। अलग अलग टेरिटरीज में कई मराठाओं ने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था और इसी तरह रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड भी पुणे का पेशवा बन गया था। लेकिन जल्द ही होलकर ने वेंकराव को पुणे में पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया, जिसके बाद अपने पिता की तरह ही बाजीराव सेकंड भी अंग्रेजों से मदद मांगने पहुंच गया।
और साल 1802 में बसीन की ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें अंग्रेजों ने पुणे को अपनी मिलिट्री दे दी, लेकिन उसका खर्च राजा को ही देना था। साथ ही अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करने का भी आश्वासन दिया। ये बात मराठाओं को खल गई और सभी ने मिलकर एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वॉर को मराठा जीत नहीं पाए। अंग्रेजों ने इस वॉर को एक तरफा जीत लिया और रघुनाथ राव को पुणे का पेशवा बना दिया गया। इसे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के बाद मराठाओं की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी और वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे थे। मराठाओं के अंदर गायकवाड़ और पेशवा के बीच जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। जब गायकवाड़ कमजोर पड़े तो उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इसी समय पेशवाओं की तरफ से एक गायकवाड़ मिनिस्टर गंगाधर का मर्डर कर दिया गया। इस मर्डर के बाद अंग्रेजों को मराठाओं से वॉर का बहाना मिल गया। गायकवाड़ की मदद का नाम लेकर अंग्रेजों ने कमजोर हो चुके मराठाओं पर वॉर का ऐलान कर दिया। इसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का नाम दिया गया। लॉर्ड मार्क्विस हास्टिंग्स की लीडरशिप में लड़ी गई इस वॉर में अंग्रेज एक बार फिर जीत गए और इसी के साथ अंग्रेजों ने पेशवा का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया। मराठाओं का शासन खत्म होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे ताकतवर पावर बन गई। अब अंग्रेजों ने देश के अंदर नए नए नियम लाना शुरू कर दिए। 1848 में पहली बार द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अनुसार जिस भारतीय राजा का कोई बेटा यानी कि मेल हेयर नहीं है, वो राज्य पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में पहुंच जाने की बात कही गई। और इस नियम की मदद से सतारा, नागपुर, उदयपुर और झांसी जैसी टेरिटरीज को अंग्रेज कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। 1800s आते आते देश की आम जनता की सिचुएशन काफी खराब हो गई। कॉमन पीपल के जीवन पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पूरे देश में राजाओं की गद्दी छीनी जा रही थी और अंग्रेज उनके राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स करते जा रहे थे, जिससे जमींदार से लेकर आम जनता तक सब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट होने लगे थे। इसके बाद अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड की 1853 में बिठूर में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जब उनके अडॉप्टेड सन नाना साहेब ने पेंशन की मांग की तो अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। ऐसी ही स्थिति देश के बाकी हिस्सों में भी बनने लगी। 1857 के शुरुआती महीनों में भारत में एक स्ट्रेंज घटना होने लगी, जहां तहां लोगों के घर रोटियां और कंबल बांटे जाने लगे। इन रोटियों पर ना तो कोई सिंबल होता था ना ही कोई स्लोगन। जिस रियासत में भी ये रोटियां मिलती वही के लोग उत्साहित हो जाते। दूसरी तरफ अंग्रेज इस माजरे को समझ नहीं पा रहे थे। रोटियां कहां बन रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट की जा रही है, कौन ये साजिश कर रहा है और इन सब का क्या मतलब है। ये सारी बातें अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से ब्रिटिशर्स काफी टेंशन में आ गए थे। इस थ्योरी की चर्चा करते हुए एक ब्रिटिश ऑफिशियल J.W. शेरर ने अपनी किताब डेली लाइफ ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी में लिखा था कि इस तरह से चपाती बांटने की वजह से कॉलोनियल ऑफिशियल्स के दिल में काफी भय फैल गया था। इसके ठीक बाद भारतीय सैनिक छावनियों में एक खबर फैल गई कि राइफल कार्ट्रिजेस को बनाने के लिए गाय और सुअर का इस्तेमाल किया गया है। इस खबर के फैलते ही हिंदू और मुस्लिम सैनिक तुरंत ही आग बबूला हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का प्लान बना लिया। मंगल पांडे, जो कि एक ब्राह्मण थे और ब्रिटिश आर्मी में थे, वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे और यही बंगाल सिपाही छावनी में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। उन्होंने दो पुलिस ऑफिसर्स ह्यूगसन और बॉक को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे भले ही देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गए, लेकिन कार्ट्रिजेस वाली खबर देश में आग की तरह फैल गई। अब देश में रिवोल्ट का पूरा माहौल बन चुका था। अब बस इंतजार था तो जमींदारों और राजाओं का, जो इस रिवोल्ट को कमांड कर सके। अंग्रेजों की बढ़ती मनमानी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर के पेशवा नाना साहेब और तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जैसे लोग अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आ गए थे। सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करने का प्लान बना लिया। बहादुर शाह जाफर, जो कि मुगल सम्राट थे, उनकी कमांड में इस रिवोल्ट के लिए 30 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरठ के सैनिक इतना इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने 20 दिन पहले ही 10 मई 1857 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया।
जिधर भी अंग्रेज दिखते उन्हें मारा जाने लगा। लेकिन भारतीयों के पास लिमिटेड वेपन्स और रिसोर्सेस थे और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। अंग्रेजों ने इस लड़ाई को लंबा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते इस रिवोल्ट को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को मार दिया गया और बहादुर शाह जाफर और बेगम हजरत महल को एग्जाइल दे दिया गया और इस तरह अंग्रेजों ने 1858 में किसी तरह इस रिवोल्ट को दबा दिया। देश में हुए इतने बड़े विद्रोह को अंग्रेजों ने भले ही सिपॉय म्यूटिनी का नाम दे दिया हो, लेकिन भारतीयों के लिए ये एक वॉर था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश क्राउन को ये बात समझ में आ गई थी कि भारत को अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती, जिसके बाद उन्होंने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया, जिससे कि अब ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पर अपना राज कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी टेरिटरीज, एसेट्स, आर्मी फोर्सेस और वेल्थ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और देखरेख की सारी शक्तियाँ क्वीन विक्टोरिया के हाथ में पहुंच गई। लेकिन भारत के अंदर अपने खिलाफ हुए इतने बड़े रिवोल्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट अलर्ट हो गई थी। देश के अंदर टैक्स को कलेक्ट करने की अथॉरिटी सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई। भारत ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। सभी इंडियंस को रिलीजियस फ्रीडम दी गई और देश के अंदर ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बनाया गया। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया, जिसके तहत कुछ इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आजादी नहीं दी गई। वाइसरॉय को इन सब से ऊपर रखा गया और उसे कोई भी नया नियम बनाने के लिए फ्रीडम दे दी गई। किसान अगर जमीन पर फसलें उगाते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था और इन टैक्स को कलेक्ट करने की अथॉरिटी जमींदार को दी गई। किसान अपनी ही जमीन पर किरायेदार बन चुके थे। इस तरह पहली बार पूरा भारत और इसके रजवाड़े को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन कर सीधा अपने अंडर में ले लिया और कुछ रजवाड़े और जमींदार क्राउन के साथ खुद ही मिल गए और अपनी रियासत की पकड़ अंग्रेजों के हाथ में दे दी। इस तरह पूरे भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई।